गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज हम बात करेंगे एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड समय के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट है डीसी करंट। डीसी करंट डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल डीसी का प्रयोग लो वोल्टेज इक्विपमेंट जैसे मोबाइल टॉर्च आदि में प्रयोग किया जाता है, यानी एसी का प्रयोग आपका 230 वोल्ट एसी के रूप में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। यहाँ मोबाइल की बैटरी में आपका 3.7 वोल्ट भी होता है, टॉर्च की बैटरी में 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज होती है जिसमें डीसी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी डीसी पावर सप्लाई प्रयोग की जाती है। जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो बैटरी से चलते हैं उनमें भी डीसी सप्लाई यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल बैटरीज एनर्जी स्टोर्ड इन डीसी पावर सप्लाई। जितनी भी बैटरियां हैं वो डीसी पावर सप्लाई में एनर्जी को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट इसका एसी और डीसी का वेव है। वेव फॉर्म में एसी करंट जो है वो अल्टरनेटिव करंट है और ये साइनसोइडल होती है। जैसा आपको पहले बताया कि एसी करंट वह होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ जीरो रहा और ये आपका एंगल बढ़ता हुआ यहाँ 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ 180 डिग्री हो गया और ये जीरो हो गया, फिर ये माइनस में गया और उसके बाद फिर ये जीरो पे आ गया। यानी इसका मान जो मैग्नीट्यूड है इसका मान घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही डीसी का वेव है। डीसी सप्लाई में क्या होता है, इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो समय के अनुसार बदलता नहीं है, इसकी दिशा भी नहीं बदलती है। आपके वेव फॉर्म में दिख रहा है आपको ऐसे बना हुआ है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।